ये भी और ये भी, ओह माय गॉड, दोनों, ये वाला, ओह स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट, मैं दोनों कैसे खा सकती हूँ, अब कौन सा वाला आइसक्रीम लूँ, बहुत कंफ्यूजन है, इससे ज्यादा कंफ्यूजन तो इनके यहाँ भी है। पिशाचिनी की हॉट अदाएं, मस्ती में झूमे, खुशी में गाए, काल विजय रत्न पाने की खुशी में पिशाचिनी बहकी बहकी जाए। भाई डांस तो बनता भी है, इतनी मुश्किलों और मुसीबतों को पार कर आखिर अब जाकर पिशाचिनी के हाथ काल विजय रत्न जो लगा है, इसलिए तो खुशी के मारे पिशाचिनी बावली हो गई है। पिशाचिनी के पास काल विजय रत्न आ गया है, तो पिशाचिनी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खुश है, उसके अंदर रूप रंग बदला है और डांस करते करते ये छोटा सा टियारा ये भी पहन लिया है, उससे लग रहा है कि वो महारानी है और रूल करने वाली है अब। वैसे पिशाचिनी के हाथ ये काल विजय रत्न धोखे से लगा है, क्योंकि पिशाचिनी की दोस्त कांच रानी का राज जो खुल जाता है और शेरगिल परिवार को पता चल जाता है कि वो ही रक्षित बनकर घर में घूम रही हैं और उसे पकड़ने के लिए दृष्टि खंजर लेकर उसके पीछे लग जाती है, लेकिन जैसे ही नकली रक्षित भागने की कोशिश करता है दृष्टि उस पर काल विजय रत्न से हमला कर देती है, जिसे रक्षित का हमशक्ल गायब हो जाता है और काल विजय रत्न पिशाचिनी के कब्जे में आ जाता है। काल रत्न को पाने से पिशाचिनी पूरी फैमिली पर भारी पड़ जाती है। और सबको रस्सी से बांध देती है और तीनों रत्नों को अपने कब्जे में ले लेती है। उनका मेन मकसद तो काल विजय रत्न ही है, वो जैसे भी हासिल हो, अब शेरगिल परिवार में है, दिव्य दृष्टि के पास है, तो इसीलिए हम सब इन्वॉल्व हैं और बस उसी की खींचातानी चल रही है पहले दिन से, और अब थोड़ा डेंजरस जोन में आ चुके हैं, अब जान पे आ गई है सबके। तीनों रत्न मिलने के बाद भी शाचिनी उन्हें आपस में जोड़ नहीं पाती, इसीलिए वो इस काम में काली रात के काल देवता की मदद लेती है। हे काली रात के काल देवता, अगर तुम यही कहीं हो और मुझे देख रहे हो तो यही रुक जाओ, मेरे पास आके मुझे बताओ ये तीनों रत्न को कैसे जोड़ूं। अब काली रात के काल देवता पिशाचिनी की मदद करते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो रही ऑन स्क्रीन की बात, लेकिन ऑफ स्क्रीन देखिए कैसे शेरगिल परिवार रस्सी में बंधे हुए परेशान है। विशाल शर्मा के साथ प्रियांशु झा, मुंबई आज तक।